एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। हमको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है। मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, हमको तो फोन नहीं किए हैं लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान देने का बड़ा ऐलान कर नया दाम चल दिया है। इस ऐलान के बाद विपक्षी दलों और खासकर बिहार की सियासत में खलबली मची है। देश के सबसे बड़े सम्मान के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के ऐलान से मोदी सरकार ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। बीजेपी ने इस फैसले से ओबीसी वोट बैंक को टारगेट किया है, साथ ही चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को पटखनी देने की कोशिश की गई है। ऐसे में विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार के पास भी बीजेपी और केंद्र सरकार की तारीफ करने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव बिहार के समस्तीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जब से कर्पूरी जी का निधन हुआ तभी से हम लोग भारत रत्न की मांग कर रहे थे। केंद्र ने इसकी घोषणा की है जो बहुत अच्छी बात है। बता दें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक पाठशाला के ही छात्र रहे हैं। देख रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो सचमुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके 100वें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहां पर पधार चुके हैं। और अब एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। अब वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता,
और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग।